बैकग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा ज़िले के अरनियावाली गांव से निकलते वक्त जब हम सिरसा की ओर जाते हैं उस सड़क पर मौजूद हूं। और आपको यह भी बता दें कि इस सड़क को बने हुए करीब 15-20 दिन का समय हुआ है और उस 15-20 दिनों में आप देख सकते हो कि किस प्रकार है वो सड़क है, ये टूट करके खंडित हो चुकी है। कितनी घटिया सामग्री इस सड़क में प्रयोग में लाई गई है वो आप देख सकते हो। मैं इस वक्त का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। अरनियावाली से जब सिरसा की ओर जाते हैं तो ऐसे कई जगह पर हमें ऐसा दिखा कि वास्तव में इस सड़क पर PWD विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, ठेकेदार है, उन्होंने कितना बड़े पैमाने पर घोटाला किया है वो इस सड़क के माध्यम से स्पष्ट तौर पर जाहिर हो रहा है। ये देखो, ये आप देख सकते हो कि कितनी घटिया सामग्री प्रयोग में लाई गई है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इस सड़क को बनाने में अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों ने मिलकर के इस सड़क में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। लगातार ऐसी खबरों को हम लोग दिखाते हैं और हमारा मकसद लोगों को सच्चाई से अवगत करवाना है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। जी, ये अभी 10-15 दिन इस रोड को बने हुए हो गए हैं और ये बिल्कुल खंडित हो गए। 15 दिन है जिसको। अच्छा जी, 15 दिनों के अंदर बहुत इसमें खड्डा बहुत पड़ गया। अच्छा जी, इसमें कुछ ही नहीं डालिया है जी, सारा गांव परेशान। आपको क्या लगता है इसमें कुछ ही नहीं गिरा जी? अच्छा जी, कुछ भी नहीं गिरा है। जो ये रोड बनी है ये फॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ से चले गए वो ठेकेदार। तो हम कल सोचते हैं CM विंडो लगाने की। आपके कहने का मतलब है ठेकेदार और तमाम जो अधिकारी इस रोड में लगे हुए थे बनाने में घटिया सामग्री प्रयोग की है? दाप की घटिया। अच्छा, कुछ नहीं डालिया इसमें। ये देखो खड्डे, अब यहाँ गाड़ी फंसी है हमारी। अच्छा, यहाँ पर फंसी है वो गाड़ी। बहुत क्या नुकसान हो गया गाड़ी में? गाड़ी का जो आगे वाला वो है नहीं टायर, वो पंचर हो गया। आगे वाला बम्पर है वो क्रैक हो गया। ये मना, ये कल सड़क मना, ये आज ये ऐसे हो गई जी, इतने साल कैसे चली गई ये? अभी 10-15 दिन में ये हाल हो गया। 15 दिन में ये आ गया। आपको खड्डा और दिखाऊं जी, वहाँ से जब बाइक कोई आएगा ना तेज तो वो वहाँ गिर जाएगा जी। ऐसा खड्डा है, लाल झंडी भी लगा दी गई। लाल झंडी लगा दी, क्या करे, खतरा हो गया। तो क्या मांग करते हो प्रशासन से? इसके जी दोबारा माल पड़ना चाहिए। अगर नहीं होता है तो? नहीं होता है तो हम कार्रवाई कर देंगे। CM विंडो लगाएंगे, रोड जाम भी कर देंगे। अच्छा, ये भी बात नहीं है, अभी रोड जाम नहीं करेंगे। कोई नुकसान हो सका ये आप देख सकते हो जी, यहाँ पर कद भी कोई नुकसान। झंडी लगा रखे तो झंडे से तो क्या होगा, खतरा टल जाएगा। हाँ, रात को या खड्डे में कोई आएगा तो वो। क्या नाम है जी? वेद नाम है जी। कहाँ से आप आए हो? सिरसा से। सिरसा से अरनियावाली का ये जो मार्ग है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जगह जगह पर ऐसे खड्डे हो चुके हैं, सड़क है टूट चुकी है, 10-15 दिन इस सड़क को बने हुए हुए हैं, कि क्या कुछ कहना चाहोगे? 10 दिन है जी। वो तो वही बात है, डिपार्टमेंट चेक करो इनको, आके JSDU आते रहते हैं वो चेक करें इनको जी। क्या उन्होंने डाला है ठेकेदार ने, क्या नहीं डाला है जी, वो तो डिपार्टमेंट का काम है ना। आपको क्या लगता है? आप देख लो हमारे को क्या लगता है इसमें, क्या नीचे मिट्टी निकली हुई इसकी जी? आपने भी देखा है इसको जी, कितना माल पड़ना, कितना इसको एक बार डाल रखे हैं उन्होंने जी। अभी रोड बने 10 दिन पहले रोड बने, अभी ये हालत होगी जी, आगे क्या उम्मीद करते हैं फिर इसकी जी? ठेकेदार बना के चल जाएगा, बाद में कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं जी। ये खड्डे हमारे को तंग, और डिपार्टमेंट ने उन्होंने लगा रखा है, SDU भी आता है, JE भी आता है जी, तो उन्होंने भी देखा है जी। अब बारिश आने के बाद में दोबारा इनके ऊपर मिट्टी डाल दी सड़क के ऊपर, आधी सड़क के ऊपर मिट्टी डाल रखी है जी, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करी है जी। हमारा मकसद यह है कि कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारी ठेकेदारों के द्वारा कोताही बरती जा रही है किसी काम को लेकर के, तो वो लोगों तक हम उजागर करें। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये जो तमाम जो वीडियो है ये प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन जो है उन ठेकेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा।